पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद बिजनौर एमएलसी सीट के लिए हो रही मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। शाम 4 बजे तक मुरादाबाद बिजनौर एमएलसी सीट के लिए कुल 97% वोटिंग हुई। लगभग 7,858 मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए 4 जनपदों के वोटरों ने सहभागिता निभाई। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद में 98% वोटिंग हुई है, तो वहीं बिजनौर जनपद में 96%, अमरोहा जनपद में 99%, तो वहीं संबल जनपद में 97% वोटिंग हुई है। मुरादाबाद, अमरोहा, संबल और बिजनौर में कुल 35 मतदान केंद्र बनाए गए। मुरादाबाद में 9 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की गई। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शाम 4 बजे तक मतदान किया गया। इसके बाद चारों जिलों से मतपेटियों को मुरादाबाद के मंडी समिति में बने वेयर हाउस में लाया गया और वहीं पर सुरक्षित रखा गया। इसके बाद 12 अप्रैल को मंडी समिति में ही मतगणना की जाएगी। मुरादाबाद बिजनौर एमएलसी सीट पर भाजपा के एडवोकेट सत्यपाल सैनी और सपा के अजय मलिक के बीच मुकाबला है। सत्यपाल सैनी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और संबल के सांसद भी रह चुके हैं। चारों जिलों में जिला पंचायतों से लेकर अधिकांश क्षेत्र पंचायतों पर भी भाजपा का कब्जा है। सत्यपाल सैनी भाजपा के बड़े नेता हैं। संगठन में वो इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले भी भाजपा और आरएसएस में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। मुरादाबाद बिजनौर के एमएलसी सीट को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है। उम्मीद क्या है, एक तरफा मामला है और हमारे सत्यपाल सैनी जी पूर्ण बहुमत से, जैसे ब्लॉक ने मुझे निर्विरोध बनाया था, उसी संख्या बल में हमारे सत्यपाल सैनी जी को मुरादाबाद ब्लॉक निर्विरोध चुनेगा। विपक्ष को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और एक भी वोट मैं समझता हूँ विपक्ष को नहीं जाए। आपके ब्लॉक की ही बात करें या फिर अगर मुरादाबाद, टोटल मैं पूरे चारों जिलों की बात करता हूँ, कुछ नहीं है। जनता ने इन्हें नकार दिया बुलडोजर को और हमारे योगी जी को एक्सेप्ट किया है, सुशासन को एक्सेप्ट किया है, गुंडागर्दी, लाल टोपी, गुंडों को नकार दिया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।